बरेली शहर के चर्चित नगर निगम कर्मचारी की सरेआम हुई हत्या मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इस मामले में 5 आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर 87,000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। अप्रैल 2016 में शादी समारोह में घुसकर दबंगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके नगर निगम कर्मचारी को मौत के घाट उतार दिया था। शहर के बीचों बीच शहनाई बारात घर में हुए इस हत्याकांड से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। दरअसल 23 अप्रैल 2016 को शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के सिविल लाइंस इलाके में स्थित शहनाई बारात घर में शादी समारोह था। लोग डीजे पर नाच गा रहे थे, पूरी बारात जश्न में डूबी हुई थी। तभी अचानक आधा दर्जन लोग असलाहों से लैस होकर बारात घर में आ धमके। बारात पर गोलियों की गूंज से दहल गया। इस दौरान नगर निगम कर्मचारी राजीव को गोलियों से भून दिया गया। राजीव की मौके पर ही मौत हो गई। इस मुकदमे की घटना 22/4/2016 की है और ये घटना रात में हुई थी और इसके बाद इसकी FIR 23/4/16 को इसके बाद ही राज किरण द्वारा जो है लिखाई गई थी थाना किला में, थाना कोतवाली में दर्ज कराई गई थी। और इसमें मुख्य विवाद की वजह ये थी कि ये दोनों सफाई नायक थे, पहले उसको स्थानांतरित करके इसको उस पद पर भेज दिया गया था जो कि मृतक था। यही इसमें रंजिश की वजह बना और यही इनकी हत्या का कारण मृतक की बना था। और सारे जितने अभियुक्त हैं वो सब उनके रिलेटिव हैं या परिवारिकजन हैं। तो एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत जहाँ विवाह समारोह में गया हुआ था वहीं विवाह समारोह में घुस करके ही इसकी ताबड़तोड़ फायरिंग करके हत्या की गई थी। तो इस मामले में क्या सजा सुनाई गई, कितने लोगों को सजा सुनाई? इस मामले में कुल 5 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 85,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया समस्त अभियुक्तों को, तथा जिन पर दफा 25 का आरोप 2 अभियुक्तों पर है उनको 2,000 रुपये के अर्थदंड से अलग भी दंडित किया गया है। तो कुल मिलाकर के 2 अभियुक्तों को 87,000 रुपये अर्थदंड प्रत्येक अभियुक्त व 3 अभियुक्तों को 85,000 रुपये के अर्थदंड व सभी 5 अभियुक्तों को 17 आजीवन कारावास से दंडित किया गया है। क्या जो अर्थदंड की सजा दिया गया है वो उनकी मृतक के परिवार को दिया स्ट्राइक होता है? जो भी अर्थदंड अधिरोपित किया गया है उसकी वसूली होने पर उसका आधा मृतक के आश्रितों को दिया जाएगा, यही आदेश माननीय न्यायालय में ने पारित किया है। कितने गवाहों की इसमें गवाही कराई गई और कितना समय लगा इस फाइल में? कुल 14 गवाह परीक्षित कराए गए और घटना ये 22/4/2016 की है। माननीय न्यायालय में आने के बाद ये पत्रावली कई न्यायालयों में उनके पीठासीन अधिकारियों के स्थानांतरित होने के कारण लंबित रही व स्थानांतरित भी होती रही। अब आज दिनांक 3/11 को अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है और हमको न्याय दिलाने में सफलता मिली है। और इस मुकदमे को मेरे निर्देशन में हमारे EDGC महेश कुमार सिंह द्वारा बहुत अच्छे से इसमें बहस की गई, संपादित किया गया व अभियोजन के पक्ष को रखा गया। इनके परिश्रम से ही ये सफलता प्राप्त हो पाई है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।